हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। तो अभी मैं आ चुका हूँ गौचर से ही कमेड़ा की तरफ में, 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रोन की टेस्टिंग करने वाले हैं, उसको फ्लाई करके देखेंगे। अगर आप भी फर्स्ट टाइम यूज़र हैं जिनको कभी फ्लाई ड्रोन किया नहीं है कभी ज़िंदगी में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ड्रोन फ्लाई करना ईजिली सीख जाएंगे। भले ही आपको एक्सपीरियंस लगेगा, एक परफेक्ट पायलट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली फ्लाइट लेंगे, तो नई नई लोकेशन पे जाएंगे तो आप सीख जाएंगे इजीली। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सा ड्रोन है, DJI का एयर सीरीज है, मिनी सीरीज है, कोई सी भी सीरीज है, सबका प्रोसीजर सेम ही है। या फिर अदर कंपनी का ड्रोन है, IZI हो गया, ओटेल हो गया, और गरुड़ा एरोस्पेस का भी कोई ड्रोन आता है, बाकी सबका प्रोसीजर सेम ही होता है। एग्रीकल्चर ड्रोन भी सबका उड़ाने का सेम तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा हमारा रिमोट और ये हमारा ड्रोन DJI का मिनी 3 प्रो। तो सबसे पहले ड्रोन के पीछे में आपको स्टिक्स मिलती है, जॉयस्टिक, जिससे आप ड्रोन को कंट्रोल करते हैं। इनको निकालते हैं बाहर और फिट करते हैं। तो ये हमारी स्टिक्स हो चुकी हैं इसमें फिट, जॉयस्टिक्स, जिनसे आप कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये हमारा ड्रोन, तो इसको करते हैं अनफोल्ड। सबसे पहले इसकी आर्म्स करते हैं अनफोल्ड, उसके बाद लेग्स, और ये है गिम्बल प्रोटेक्टर। तो जब भी ड्रोन फ्लाई करना है तो सबसे पहले इस गिम्बल प्रोटेक्टर को आप निकाल दें, क्योंकि जब भी हम ड्रोन ऑन करते हैं तो उसके बाद सारा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है, तो ये गिम्बल मूव करता है जब ऑन करते हैं। तो ये गिम्बल प्रोटेक्टर लगा रहेगा तो गिम्बल की मोटर आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये कैमरा इस पर टच होगा तो डैमेज हो सकता है। तो ये रहा हमारा रिमोट, इसको करते हैं ऑन। ऑन करने के लिए आपको सिंगल प्रेस और थोड़ी देर के लिए और प्रेस करना है, तो ये रेड लाइट ब्लिंक होगी तो आपका रिमोट ऑन हो जाएगा। सेम आपको ड्रोन के साथ में भी करना है। तो ये हमारा ड्रोन, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रोपेलर्स एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, पंखे इसके ब्लेड क्लैश ना हो जाएं, तो वो चेक करें। तो ड्रोन ऑन करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है जैसे हमने रिमोट के लिए किया, एक बार प्रेस करना है, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है। तो हमारा ड्रोन ऑन हो चुका है और ये हमारा गिम्बल अपने आप खुद को एडजस्ट करेगा, मूव होगा ये। तो ये हमारा ड्रोन ऑन हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में और अब चलते हैं रिमोट की तरफ। तो जब रिमोट और ड्रोन के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सीधे ऑन स्क्रीन जो कैमरे के सामने दिख रहा है, जो भी सीन है वो आपको इसमें दिख जाएगा। तो अभी कैमरे के सामने बिल्कुल नेचर वाला सीन है, तो ये दिख रहा है आपको। तो अब लेते हैं इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट, देखते हैं कैसे टेक ऑफ करते हैं। तो दोनों जॉयस्टिक को आपको अंदर की तरफ होल्ड करना है, तो आपकी मोटर, ड्रोन की मोटर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे आ जाना है। लेफ्ट वाली स्टिक है उसको हल्का हल्का ऊपर मूव करना है, तो जिससे आपका ड्रोन ऊपर हवा में लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्रोन को अप डाउन मूव करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जॉयस्टिक है, जो इसको आप ऊपर करेंगे तो ड्रोन ऊपर मूव होगा, डाउन करेंगे तो डाउन मूव होगा। अगर अपने एक्सेस पे रोटेट करना है तो इसको लेफ्ट या राइट आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कैमरा मूव हो रहा है, अपनी एक्सेस पे रोटेट हो रहा है कैमरा। बाकी अगर ड्रोन को आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करना है तो ये राइट हैंड साइड वाली जॉयस्टिक आप यूज़ करेंगे। जैसे ही ड्रोन आगे मूव हो रहा है, पीछे करेंगे तो ये पीछे मूव होगा। ये है लेफ्ट एंड दिस इज राइट डायरेक्शन। तो जितना आप स्लोली मूव करेंगे उतना आपकी कंट्रोलिंग ज़्यादा बेटर होगी। अभी मेरे सामने एक गौचर वैली की लोकेशन है, तो इसको करते हैं शूट। चलिए भेजते हैं अपना ड्रोन उधर।